गुड आफ्टरनून क्लास फोर, आई एम योर हिंदी टीचर। माय नेम इज़ सालिया गज़ल। टुडे इज ट्यूसडे एंड द डेट इज़ 1/9/2020। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 6, वचन। तो वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में एक प्रधान अध्यापिका और अध्यापिकाएँ हैं। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे हैं। कुछ कक्षाएं पहली मंजिल पर हैं और कुछ दूसरी पर। अध्यापिका अपनी पुस्तक से पढ़ा रही हैं और कक्षा के सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोलकर ध्यान पढ़ रहे हैं। ऊपर लिखे अनुच्छेद में अध्यापिका, कक्षा और पुस्तक एक प्राणी, एक स्थान या एक वस्तु के बारे में बताते हैं, इसलिए यह शब्द एक वचन है। अध्यापिकाएं, कक्षाएं और पुस्तकें एक से अधिक प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध करते हैं, अंत यह शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन उसे कहते हैं जो हम लोग को कोई एक जगह के बारे में, एक स्थान के बारे में या एक बच्चे के बारे में जो एक चीज़ का हम लोग को प्रधानशीलता देता हो, जो एक चीज़ के बारे में हम लोग को बताता हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। और जो बहुत सारा जोड़ करके, जैसे रास्ताएँ, मंजिलें, स्कूलों, ये सब अध्यापिकों, ये सब जिसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हो, बहुत सारा जगह आ जाता हो, बहुत सारे नाम आ जाते हो, वो हो जाते हैं बहुवचन। तो ये है आपका एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। वचन किसे कहते हैं, ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। शब्द का जिस रूप से हम लोग को पता चले कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का परिचित है या इसमें बहुत कम लोगों का परिचित है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।